हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू पर बात करने वाले हैं अपन, क्योंकि आप लोग सभी पशु परिचर की जो जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, तो ये आज का सेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ताकि ये भी चले कि कोई से भी चाहे वैकेंसी हो उसमें कॉम्पिटिशन कितना है। कॉम्पिटिशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पशु परिचर की भर्ती जो है, ये क्या है कि 10th लेवल थी, आप सबको पता ही, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, लास्ट डेट निकल गई इसकी, 10वीं पास वैकेंसी थी। इसलिए हर कोई बेरोजगार युवा ये चाहता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, कहीं 8-10 हज़ार की नौकरी करेगा, है ना, नींबू की तरह आदमी को निचोड़ दिया जाता है। तो एक मुझे सरकारी नौकरी की हर कोई चाह में रहता है, और आप भी देखेंगे कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की जो चाह है वो कितनी है, कि इस वैकेंसी में लगभग लगभग 18 लाख, यानी फिक्स ऑथेंटिक भी बता दूंगा, 17 लाख 64 हज़ार के समथिंग है, लगभग लगभग 18 लाख अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो बहुत बड़ा, सिर्फ राजस्थान की वैकेंसी है, ओनली फॉर वन स्टेट, ठीक है ना, बाहर के तो कुछ ही लोग होते हैं। तो ये चीज़ है कि 18 लाख कंपटीशन है, ये कोई वो छोटी बात नहीं है कि भाई ये, क्योंकि ये आप ये भी सोचना कि 18 लाख, 18 नहीं, 22 22 25 25 लाख भी गए हैं रीट जैसे एग्जामों में। तो मतलब अपन को ये सोचना है कि इस महा कॉम्पिटिशन के ज़माने में कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि हम इस भीड़ से अपने आप को बाहर निकाल सकें और एक सीट पक्की कर सकें, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, हल्के में लेने से अदर कहीं अटी उटी टाइम वेस्ट करने में अब बात बनेगी नहीं। एक फिक्स टारगेट होना चाहिए, एक फिक्स प्लानिंग होनी चाहिए कि इस मुकाम को कैसे हासिल करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आज के लिए। मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि जो ये वैकेंसी है पशु परिचर भर्ती 2023, 5,934 पोस्ट है, लगभग 6,000 की पोस्ट मान के चलिए, 6,000 जनों को लिया जाएगा। आवेदन किया 17,64,348 जनों ने, ये ऑथेंटिक प्रूफ है। खूब सारे लोग 20 लाख 25 लाख आई जो चेप देते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शुरू से कहा है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको MU क्लासेज का ट्रस्ट करना पड़ेगा, शुरू से लेकर आज तक, चाहे BSTC पूरे राजस्थान में झंडे गाड़ देते हैं, वही सिस्टम है। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो चाहे ऑथेंटिक स्टडी हो, तभी तो मेरे क्लासेज, थोड़ी क्या होता है दिन में कभी एक तो कभी दो आ पाती है, क्योंकि मुझे मेहनत बहुत लगती है आप लोगों को। मैं तभी तो कहता हूँ बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बुक्स का क्यों मना करता हूँ, क्योंकि बुक्स की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई कम से कम 10-12 बुक्स का कंटेंट कलेक्ट करके उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या छोड़ना है, वो सब रंग रंग के आपके कलर बना बना के पूरे रगड़ के एकदम फर्स्ट क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी ऑथेंटिक, जो हमारे राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में भी चलते हैं, NCERT कोर्स में भी चलते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ऑथेंटिक बुक्स होती है, उन सब बुक्स का कंटेंट इकट्ठा करके, क्योंकि आप लोग उतना नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, लेकिन वो आपको मिल रहा है। खूब सारे बच्चे क्या है, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, शॉर्टकट में सिलेक्शन कभी नहीं होता। राज्य भले ही हो जाना, ओहो मज़ा आ गया, लेकिन क्वेश्चन सिंगल नहीं मिलेगा वहां से, समझ में आ गई ना। तो शॉर्टकट नहीं चलता, सिलेक्शन का शॉर्टकट होता ही नहीं है। आप लोग सिर्फ खुश होते हो, राजी होते हो, राजी करने का जमाना भी है, ठीक है, हंसी मजाक टिटोली वाले आपको पता है वीडियो ज़्यादा चलते हैं, क्यों, क्योंकि जमाना ही ऐसा ही है, टाइम पास करना है बस। लेकिन टाइम पास कब करो, जब आप सिलेक्शन हो जाए आपका, आप स्टेबल हो जाओ, उसके बाद में कुछ टाइम पास करो, अभी आपके पास में कहाँ टाइम पास करने के लिए टाइम है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये जो कॉम्पिटिशन है और ये जो कॉम्पिटिशन है, इस कॉम्पिटिशन में कैसे बाजी मारेंगे कि एक पद के लिए 297 कैंडिडेट मतलब लड़ रहे हैं, ये मान लो 300 जने एक पोस्ट पर आ गए, एक पोस्ट है उसमें जने 300 है, और फिर या फिर ऐसा मान लो कि 6,000 पर जने 18 लाख है, समझ में आ गई। तो अब आप अपने आप को इतना रख पाते हुए कि आप जब क्लास में पढ़ते थे, एक बार सोचना इस बात को, 50 जनों की क्लास होती थी या 40 जनों की क्लास होती थी, उसमें आप कभी टॉपर में, टॉप में नहीं आए, टॉप 10 में नहीं आए, 300 में एक सीट पर 300 जने चिपके हुए हैं, 18-18 लाख की वैकेंसियाँ, तो कैसे टॉप करोगे। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्पॉसिबल शब्द में, जब हम इम्पॉसिबल लिखते हैं तो इम्पॉसिबल, जब सब शब्द लिखते हैं तो इम्पॉसिबल शब्द के अंदर भी I am possible लिखा होता है, समझ में आ गई ना, वो भी खुद भी एक बेचारा कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, इसलिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान ये रखना है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना, ये हमेशा कह रहा हूँ मैं आपको, शॉर्टकट के चक्कर में रहे तो ये ध्यान रखना, जो आपको ईजी लग रहा है ना, सबको ईजी लग रहा है,
इस बात को ध्यान कर लेना। और जो आपको मुश्किल लग रहा है, उस सबको मुश्किल लग रहा है, तो ये ध्यान रखो जो मुश्किल है उसमें जान लगा दो, क्योंकि इजी वाली चीज़ें तो हर कोई कर रहा है और वो आप भी कर लोगे, लेकिन मुश्किल चीज़ को आप कितना कर पाते हो। जैसे मैथ्स है, मैंने मैथ्स का क्या थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रखा है, तो आप लोग क्या सोचते हो बहुत ज़्यादा लेवल है, ज़्यादा लेवल नहीं है, थोड़ा सा लेवल तो आएगा ही आएगा ना। टेंथ क्लास को मुझे पता है, मैंने 5-6 साल हो गए टेंथ क्लास के, ट्वेल्थ क्लास के इन बच्चों को पढ़ाते हुए, तो उनमें क्या है, उनमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, बस उस लेवल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास आती है, ठीक है ना। तो मैथ्स पर पकड़ मजबूत करो। साइंस की क्लास आने वाली है जल्दी से, साइंस में ज़बरदस्त तरीके से आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में झंडे गाड़े हैं शुरू से लेके, तो उनमें क्या ऑथेंटिक एक प्रॉपर वे में क्या वन शॉट रखूंगा, चाहे बड़ा वीडियो भले ही बन जाए 1.5-2 घंटे का, तो उसमें प्रॉपर वे में अपन को तैयारी करनी है। जीके जीके अपन थोड़ा छोटा सेशन रखेंगे ताकि हर चीज़ कवर हो पाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस कॉम्पिटिशन को कैसे जीतेंगे, एग्ज़ाम आपके आपको पता है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर 2024, 4 दिन एग्ज़ाम चलेंगे। हो सकता है कि एक दिन में 2 पारी रखें तो 8 चरणों में होंगे, या फिर एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाते हैं तो 4 दिन एग्ज़ाम चलेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन से दिन आपका रोल नंबर आता है, क्योंकि 18 लाख अगर जने हैं तो एक दिन में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं होता, और एक दिन में अगर कराओगे तो फिर पेपर आउट वाली शिकायतें वो आती है। इसलिए एक दिन में हो सकता है 2, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक पेपर हो जाएगा, उसी दिन को शाम को भी दोपहर बाद में, तो एक दिन में 2 शिफ्ट हो सकती है, 2 पारी हो सकती है, ताकि हर जगह सेंटर मिल जाए और भीड़ थोड़ी सी भीड़ छटनी हो जाए 4 दिन तक। तो 4 अलग अलग पेपर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 8 एग्जाम होते हैं तो 8 पेपर बनेंगे। लेवल लगभग सेम ही रहता है, कट ऑफ भी सबकी सेम रहती है, वो सब सिस्टम कर लिया जाता है। तो ये एग्ज़ाम होने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, ठीक है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्ज़ाम करवाएगा, और फिक्स कह दिया है कि एग्ज़ाम इसी तारीख को होना है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की ये पहली वैकेंसी है, बीजेपी सरकार के आने के बाद में ये पहली वैकेंसी है जो इतनी बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। और एग्ज़ाम भी प्रॉपर तरीके से होगा, हालांकि 2 एग्ज़ाम और भी हो चुके वो नहीं कह रहा, लेकिन प्रॉपर वे में अगर अपन देखें तो ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी है इस सरकार में, तो इसलिए ये एग्ज़ाम टाइम पर ही होंगे। मतलब आपको ये मान के चलना है कि आपके पास में जो टाइम है, आज 20 तारीख हुई है, 21 से पेपर स्टार्ट होता है, तो एग्जैक्ट 7 महीने आपके पास में है, और यार 7 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। 7 महीने आपको कुछ भी नहीं करना, पर डे 7 घंटे पढ़ना है, बस 7 आवर्स पर डे, ये मैं आपको रोजाना कहता हूँ, बस इतना पढ़ लो, 8 नहीं तो 7 घंटे पढ़ लो, 7 महीने 7 घंटे पर डे निकालो। अब खूब सारे बच्चे कहते हैं कि घर का काम भी रहता है, खूब सारी गर्ल्स ऐसी भी है, कोई बात नहीं, आपके काम रहता है तो आप 2-3 घंटे सुबह निकालो और 2-3 घंटे नाइट में निकालो, कैसे न कैसे करके 6-7 घंटे अपन को पढ़ना है। और ज़्यादा कुछ ही मत करो, मैं कहूँ जो कर लो क्या, कि जो जो मैं क्लास दे रहा हूँ आपको, अपना बी पार्ट बहुत तगड़ा चल रहा है, बी पार्ट का 40% कोर्स कंप्लीट की तरफ है, चिंता नहीं करें, बहुत जल्दी अब तो मोटा मोटी 2-3 टॉपिक और बचे हैं, मेजर पशु रोग, वो पशु, आज का सेशन भी बहुत गजब का होने वाला है, बहुत शानदार सेशन होगा, बी पार्ट की 100% तैयारी जल्दी से होने वाली है, मार्च से पहले पहले खत्म कर डालेंगे, और मैथ्स को और बी पार्ट को, और साइंस भी लगभग हो जाएगी, फिर क्या बचेगी, साइंस और जीके फटाफट उसका लाइन लगा देंगे। तो जो भी चल रही है पहले उनको तो करते जाओ, आधे बच्चे तो ऐसे हैं, मैंने जो प्रॉपर नोट्स बनाए क्या हूबहू याद है आपको, एज इट इज याद होना चाहिए, खूब सारी बातें तो याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना यूं ही याद हो जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें अभी जो भी 12-13 पार्ट बी पार्ट के अपलोड हुए हैं, 5 मेजर क्लास मैथ्स की हो गई, 2-3 क्लास एमयू क्लासेस के ऊपर जीके की होगी, जो अपना दूसरे वाला चैनल एमयू क्लासेस, उस पर जीके क्लास हो गई, जीके क्लास आज ही मिलेगी आपको। तो ये चीज़ें कवर तो करो आप, ये करते जाओ, किसी भी तरह की बुक्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स का पूरा कंटेंट और वो भी ऑथेंटिक कंप्लीट मर्ज कर दिया गया, एक बुक नहीं है, 8-10 बुक को मिला के कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। इसलिए आपको बुक्स की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये पढ़ो, फिर मैं लाइव टेस्ट बीच में लेता रहूंगा, तो आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन आ कैसे रहे, समझ गए ना। इसलिए तैयार हैं, अभी तो बी पार्ट में ठीक ये थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहे हैं, इनको ढंग से करो, फिर अपन चलेंगे फैक्चुअल में, इसलिए बहुत मेहनत करनी है, मैथ्स वगैरह करो, बस 7 घंटे आप तो कैसे ना कैसे निकाल लो, और जो लाइब्रेरी जाता है तो वो तो ज़्यादा भी पढ़ सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन ही ऑप्शन है, बिना सीईटी की वैकेंसी है इसमें, किसी भी तरह की, इसमें क्या है कि सीईटी था नहीं, सीईटी नहीं था इसलिए वैकेंसी आपको पता है इतना ज़्यादा फॉर्म भरे गए, और देखो हर किसी को गवर्नमेंट की चाह होती है, सैलरी ज़बरदस्त है, नो टेंशन, काम है, कोई काम आम रहता नहीं, आपको पता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही है, रियलिटी यही है, समझ गए ना आप। तो मौज एकदम राजाशाही मस्त तरीके से, इसमें बेनिफिट क्या है कि आप पशु परिचर में लग गए, एनिमल अटेंडेंट में लग भी गए,
तो आप पशु परिचर के साथ में अपनी पढ़ाई आगे जारी रखो ना यार, बहुत कुछ कर सकते हो। एक बेरोजगारी का टैग हट गया, आपकी थोड़ी सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ गई कि ठीक है अच्छा है, अब सैलरी भी आ रही है, महीने तो मैंने फिक्स तारीख को सैलरी आ जाती है, तनख्वाह आ जाती है, तो आप अपने ऊपर उसका कुछ परसेंट खर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया, ऑफलाइन ना जा पाते तो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया बड़ा सा कोई सा भी, या कोई ऑनलाइन क्लासेज ले ली, या कोई बुक्स ले ली, कैसे न कैसे करके अपनी पढ़ाई जारी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ऑफलाइन कहीं नहीं पहुँच पाते, जरूरी नहीं आजकल तो ऑनलाइन सब है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना ऑनलाइन कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है, अपने चैनल से आप खूब सारी बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, मतलब हर जगह से आप जो आपको अच्छा लगे अपनी तैयारी करो, अच्छे अच्छे कंटेंट वाली बुक्स ले आओ, खुद पढ़ो, तो आप आगे की तैयारी कर सकते हो। जैसे कि कोई सी भी, चाहे टीचिंग फील्ड में जाना हो, चाहे आरएस की करना हो, चाहे किसी भी करो, आगे ऐसा के बढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा बर्डन नहीं है, इसमें कोई बर्डन नहीं है, बस कहने की बात है, आप समझ गए, ठीक है ना। होने को कह दिया साहब स्कूल लगती है, तो समझ गए ना आप क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे स्कूलों में अपन देखते ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, इतना फ्री का टाइम है, आराम से, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है कि नौकरी लगना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट जॉब नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, कोई सी भी एक लग गई तो अब उसके बाद में आप आगे की किसी भी तैयारी करोगे, चाहे इंटरव्यू वाली कोई जॉब होगी, तो आपका प्लस पॉइंट हमेशा रहेगा कि बंदा सिलेक्टेड है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है, बहुत हर जगह फर्क पड़ता है, इसलिए एक नौकरी हर हालत की पकड़नी आपको, जिसमें ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, ये जो लाखों की भीड़ को देख के डरना नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खूब सारे लोग तो सिर्फ मैंने कहा ना फॉर्म ही भरते हैं, वो वाली चीज़ है। तो एक पोस्ट के लिए जो 300 जनों की जद्दोजहद चल रही है, उसमें आपको जीतना है, तो भाई कम से कम 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ना है, 7 महीने लगातार, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। आप में क्या है, 2 दिन जोश रहता है फिर डिले पड़ जाते हो, फिर जोश रहता है फिर डिले पड़ जाते हो, और हर चीज़ को एक बार मत पढ़ो, 4 से 5 बार पढ़ो। अब क्या है, अगर मैं चाहूँ तो 4 घंटे पर डे 5 घंटे क्लास लगाऊँ, नहीं याद होगी, सिर्फ नोट्स बनाओगे आप। आपको मैं सच बता दूं, मैं कहता हूं आपको, हमेशा कहता हूं कि कहीं भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोचिंग अगर जाते हो तो आप एक नोटिस करना ईमानदारी से, आप 5-6 घंटे ही सिर्फ क्लास लेते हो और उसके सिर्फ नोट्स बन रहे हैं आपसे, अभी पूरे कवर नहीं हो रहे, रह गए पीछे, क्योंकि नहीं कवर कर पाओगे इतना। ये मौका है यहाँ पर, धीरे धीरे क्लासें चल रही है, 2-3 महीने में कोर्स हो जाएगा, 7 महीने पढ़े, लास्ट के 2-3 महीने सिर्फ रिविजन टेस्ट करना है, लेकिन अभी का भी साथ के साथ याद करते रहो, फिर पीछे जाओ, फिर रिविजन जितना हो गया वो तो करो। फिर मैं अभी आपको 2-3 दिन के अंदर पूरा जनवरी महीने का पूरा करंट जितना बन रहा है वो डाल दूंगा, फिर फरवरी का नेक्स्ट महीना, मतलब एक एक पूरे महीने का पैकेज, शायद 2-2.5 घंटे क्लास होगी, इतने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, मज़ा आ जाएगा एकदम, पूरा का पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स। तो चिंता ना करें, 6-7 महीने का जो करंट अफेयर्स सितंबर तक, अपन को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट 101% सब कुछ कवर उसके अंदर होगा, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। बस आपको विश्वास रखना होता है, विश्वास बड़ी चीज है, और खुद पर भी यकीन रखो, दिन रात एक करो, सीधी सी बात है, कोई सी भी नौकरी हो भयंकर कंपटीशन है, उसको जीतने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, और क्या है, और आपके लिए खुद के लिए कर रहे हो, खुद का फ्यूचर बन रहा है इसमें, कौन सा को आप एहसान तो कर नहीं रहे, इसलिए खूब मेहनत करो, पूरी जान लगा दो, ठीक है ना। कहीं पर भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा है उसको बिल्कुल बंद कर दो, 6-7 महीने गायब हो जाओ, और जिस दिन नौकरी लगे उसके बाद एंजॉय करना, ठीक है। तो खूब मेहनत करनी है, इस कंपटीशन के बारे में बताना भी जरूरी है, ताकि अपने आप मोटिवेट रहें और पढ़ें कि यार इस जंग को जीतना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी भी बी पार्टी क्लास आने वाली, आपके बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है आज की भी, उसको जरूर पढ़ के नोट्स आपको बनाने हैं, फिर कल आपके एक मैथ्स की क्लास भी आ जाएगी, ठीक है।